एचएल टीवी न्यूज। सीएनसीटी करनाल में बाइक चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन करनाल में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाते हैं और हरियाणा पुलिस के लिए उनको पकड़ना एक चुनौती साबित हो रहा है। करनाल की सीआईए 1 एंटी थेफ्ट शाखा को 4 बाइक चोर पकड़ने और उनके कब्जे से चोरी की गई 11 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। इन 4 बाइक चोरों को पुलिस ने 4 दिनों का रिमांड लिया है और उनके बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये हमने हमारे जो एसपी साहब हैं नैन साहब, इन्होंने हम एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ का गठन किया है। जो एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ को हमारी शैय उनकी टीम है, इसने सूचना मिली थी नए साल को, उस दिन हमने 4 लड़कों को अलग अलग जगह से काबू किया था चोरी की मोटरसाइकिल समेत। उन 4 लड़कों में से 2 लड़के हमने पहले जुडिशियल में भेज दिए थे, 2 लड़के जो पुलिस रिमांड पर थे उनका रिमांड आज समाप्त हुआ है। इन 4 लड़कों से टोटल 11 बाइकें बरामद हुई हैं चोरी की, जो थाना तरावड़ी का मुकदमा है, घरुंडे का मुकदमा है, बुटाने का मुकदमा है और थाना शिवलैन के मुकदमे हैं। तो क्या कार्रवाई के जरिए आज इनको रिमांड इनका समाप्त है, आज इनको जेल भेजा जा रहा है। करनाल से हलचल टीवी के लिए केसी आर्या की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।